नमस्कार, स्वागत है आपका ओम धर्म यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यहां नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई चाहे आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो आपको एक तरफ उसे खोने का दुख तो होता ही है, परंतु साथ ही उसके अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू कर दी जाती है। यही नहीं, गरुड़ पुराण में तो आपको ये तक लिखा मिलता है कि जब तक गांव मोहल्ले में किसी की लाश पड़ी रहती है, तब तक घरों में ना तो पूजा पाठ की जाती है और ना ही किसी के घर में चूल्हा जलता है। लेकिन इतने प्रतिबंध बताए जाने पर भी यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो जाए तो उसके अंतिम संस्कार के लिए सुबह तक रुका जाता है। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है, और यदि हाँ तो क्या कभी आपके मन में ये सवाल उठा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? यदि हाँ तो चिंता ना करें, आपके इन्हीं सवालों के जवाब आज की हमारी इस वीडियो में मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। गरुड़ पुराण में मृत्यु से संबंधित ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं जिनका पालन करना सनातन धर्म से जुड़े प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। उन्हीं में से एक मनुष्य के अंतिम संस्कार से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण मान्यता बताई गई है, जिसके चलते किसी भी मनुष्य का अंतिम संस्कार रात में नहीं किया जाता। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के शव को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले नहीं जलाना चाहिए। यदि गलती से ऐसा कर भी दिया जाए तो आपको बता दें, ऐसा किए जाने के बहुत दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, जिनका वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में रात के अंतिम संस्कार को बिल्कुल ही वर्जित बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस प्रतिबंध के पीछे का कारण अंतिम संस्कार के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा को परलोक में मिलने वाला कष्ट होता है। ये बात अभी यहीं खत्म नहीं होती, साथ ही अपने अगले जन्म में वो जिस भी रूप में जन्म लेगा तब उसके किसी न किसी अंग में दोष होने की आशंका बढ़ जाती है, या फिर उसका कोई अंग क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। इसीलिए यदि सूर्यास्त होने के बाद किसी की मृत्यु हुई है तो उसे अगले दिन सुबह ही जलाया जाना चाहिए। साथ ही गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि शव को जलाने से पहले और घर और रास्ते में पिंडदान करने से देवता पिशाच खुश हो जाते हैं और शव अग्नि में समा जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाता है, और जिस कारण उस आत्मा की मोक्ष प्राप्ति की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। कहा जाता है कि समय रहते मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने से उसकी आत्मा को परलोक में उत्तम स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण की माने तो यदि किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार सही समय पर नहीं किया गया तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो मृत्यु के बाद भी प्रेत बनकर इसी धरती पर भटकती रहती है और तरह तरह के कष्ट भोगती है। इसीलिए मृतक का सही समय पर अंतिम संस्कार किया जाना बहुत आवश्यक है। रात में अंतिम संस्कार को शास्त्र विरुद्ध माने जाने के पीछे एक मान्यता ये भी है कि सूर्यास्त के बाद स्वर्ग का द्वार बंद हो जाता है और नरक के द्वार खुल जाते हैं। इसका वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी कुछ इस प्रकार किया गया है, जिसके अनुसार सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य जीवन और चेतना का प्रतीक है। आत्मा सूर्य से ही पैदा होती है और सूर्य में ही गायब हो जाती है। सूर्य नारायण रूप है और जो सभी कर्मों को देखते हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण में दाह संस्कार को दिन में ही किए जाने की बात कही गई है। कहा जाता है कि ये वह समय है जब सूर्य का द्वार खुला होता है, लेकिन शाम ढलने के बाद ये द्वार बंद हो जाते हैं, जिस कारण अब ये क्रिया करने से आत्मा परलोक नहीं पहुंच पाती। पौराणिक ग्रंथों में इससे जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक तथ्य मिलता है, जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु रात में हुई है, जैसे कि गरुड़ पुराण में बताया गया है, आप उसका दाह संस्कार रात में तो कर नहीं सकते, लेकिन इस दौरान कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखने को कहा गया है, जिनके अनुसार ऐसा होने की स्थिति में शव को कभी भी घर के अंदर न रखें, बल्कि मृतक के शरीर को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर रखने की बात कही गई है। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि मृतक के शव को कभी भी अकेला न छोड़े, क्योंकि उस वक्त मृतक के पास नकारात्मक शक्तियों के हावी होने का डर रहता है। इसीलिए किसी न किसी को लाश के पास बैठना ही चाहिए और भगवान से उस मृतक की आत्मा की मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। यदि आप इन सबसे अनजान उस लाश को अकेला छोड़ देते हैं तो इस दौरान
उस शरीर में मृत व्यक्ति की आत्मा तो नहीं होती, जो मृत व्यक्ति के उस शरीर को एक खाली घर की तरह बना देती है, जो कि किसी भी बेघर को उस खाली घर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रण दे सकती है। जैसे कोई भी आत्मा उस खाली शरीर में प्रवेश करने का प्रयास भी कर सकती है, और ऐसा जरूरी नहीं कि वो कोई पुण्य आत्मा ही हो, बल्कि वो कोई बुरी आत्मा भी हो सकती है। इसीलिए शरीर को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए लाश के करीब ही रहना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार इसलिए भी नहीं किया जाता क्योंकि रात में आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं, जो उस मृत परिजन के मोक्ष के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि सनातन धर्म में मनुष्य के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। उन्हीं में से सबसे अंतिम में किया जाने वाला अंतिम संस्कार में कई ऐसी विधियां मिल जाती हैं जो आपको काफी हद तक हैरान कर देंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कहीं कहीं अंतिम संस्कार के समय में शव के हाथ पैर भी बांध दिए जाते हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मृत व्यक्ति के शरीर पर पिशाच कब्जा ना कर सके। हिंदू सनातन धर्म में पार्थिव शरीर को सूर्यास्त से पूर्व दाह संस्कार करने का नियम है, लेकिन किन्नर समुदाय के अलावा ऐसे कुछ और भी अपवाद हैं जिन पर यह नियम लागू नहीं होता। जैसे कि सनातन धर्म में ही साधुओं को समाधि और सामान्य जनों का दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन साथ ही इसके पीछे के कारणों को भी स्पष्ट किया गया है। साधु को समाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ध्यान और साधना से उसका शरीर एक विशेष ऊर्जा और ऑरा लिए हुए होता है, इसीलिए उसकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विसरित होने दिया जाता है। जबकि आम व्यक्ति का दाह इसलिए किया जाता है कि यदि उनके शरीर के प्रति आसक्ति बची हो तो वह छूट जाए, और दूसरा यह है कि दाह संस्कार करने से यदि किसी भी प्रकार का रोग या संक्रमण हो तो वह भी नष्ट हो जाए। फिर बाद में बची हुई राख या फिर हड्डी को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार बताए गए सभी कार्यों को करने की विशेष रीति और नियम होते हैं। रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है, और अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उसके प्रवेश के द्वार खुलते हैं या फिर वह स्वर्ग चला जाता है। हिंदुओं में साधु संतों और बच्चों को दफनाया जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का अंतिम दाह संस्कार किया जाता है। उदाहरण के लिए गुसाई नाथ और बैरागी संत समाज के लोग अपने मृतकों को आज भी समाधि देते हैं, लेकिन दोनों ही तरीके यदि वैदिक रीति और सभ्यता से किए जाएं, तो उचित समझे जाएंगे। गरुड़ पुराण में दाह संस्कार की एक निश्चित विधि को बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इन 5 तत्वों से बना है, और जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो वे सभी 5 तत्व वापिस जाकर उसी में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य के जीवन का उस अंतिम संस्कार को पूर्ण विधि विधान और बिना किसी चूक के करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको रात में अंतिम संस्कार न किए जाने के कारणों का पता चल गया होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।